भैया 1 किलो आलू और दे दो, और टमाटर दे दो 1/2 किलो। भिंडी कैसे दिया? 1/2 किलो 20 रुपए। ये क्या बदतमीजी? अरे चल यार! अरे चल चल! छोड़ो मुझे! अरे छोड़ो मुझे! छोड़ मुझे! दिल्ली के एक भीड़ भरे इलाके से कुछ बदमाश एक लड़की को उठाकर ले गए। लड़की ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पे खड़ी भीड़ सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखती रही। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये घटना हमारे या हमारे किसी अपने के साथ थोड़ी हुई है, लेकिन विचार करिए कि ऐसी घटना अगर हमारे या हमारे किसी अपने के साथ हुई और किसी ने उनकी मदद नहीं की, तो फिर हमारे या आपके ऊपर क्या गुजरेगी? कौन थी ये लड़की और ये लोग कौन थे और उसे उठाकर क्यों ले गए? ये सब कुछ बताने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ दिन पहले की घटना। दादाजी क्या कर रहे हो आप? जल्दी करो ना, पता है कितना लेट हो गया हमें। चलो फटाफट चले जाइए, फटाफट चलते हैं। वो दादी एक फिल्म लगी ना, वही देखने जा रहे हैं। तू चिंता मत कर भगवान, एक बहुत ही अच्छी हिंदी फिल्म है। और हाँ, तू प्रवचन में चली जाना, लौटते समय हम तेरे लिए देसी घी के समोसे ले आएंगे, ठीक है? चल। भगवान अब क्या हुआ? समोसों के साथ घी वाली जलेबी भी लाना। ऐ भी कोई कहन दी गल है भगवान, मैनू पता है तेनू जलेबी बहुत चंगी लगती है, जरूर लाऊंगा। जी दादी जी, दादा जी अब चले ना, वैसे भी एक स्पेशल ऑफर का दिन है, प्लीज टिकट में भीड़ होगी, चलिए फटाफट। मिल जाएगा, घबरा मत, सब्र कर। विन्नी वर्मा के मम्मी पापा की कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उसके बाद विन्नी अपने दादा दादी के साथ रहती थी। ये परिवार अपनी छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश था। भाई दवे दादाजी, आपने दादी से झूठ क्यों बोला? अरे बेटे, तेरी दादी को ये कभी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग इंग्लिश फिल्म देखने जा रहे हैं। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सारी अंग्रेजी फिल्में गंदी होती है। क्या? बैठ जा। चल। बैठ गई? जी दादाजी। चलो। हाँ। सिग्नल ब्रेक कर दो ना, हमारी फिल्म शुरू हो जाएगी। ना ना बेटे ना, एक बात हमेशा याद रख, रूल्स हमेशा हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, हमें उन्हें कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो चिंता काहे करती है, हम लोग फिल्म शुरू होने के पहले आराम से पहुंच जाएंगे। हाँ। देखो दादू, मुझे फिल्म मिस नहीं करनी है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ये देखो, इसने तो सिग्नल भी तोड़ दिया। देखा तूने? देखा, मैं ना कहता था, कभी कभी एक आदमी की गलती का परिणाम किसी दूसरे को भुगतना पड़ता है। अब गिर गए ना वो, चल अपन जाके उनकी मदद करते हैं। चल। अरे रुको, वो देखो, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो उठ के चल दिए। ले सिग्नल भी ग्रीन हो गया, अपन भी चलते हैं। अब क्या हुआ? देखना, लगता है बेचारे की गाड़ी बंद पड़ गई है, चल थोड़ी मदद कर देते हैं। पर दादू, इस चैरिटी के चक्कर में हमारी फिल्म थिएटर पे पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।
एक्ट लाइक माई गर्ल, चल अपन उसकी हेल्प करते हैं, चल। भाई साहब आप चिंता मत करो, हम आपकी मदद करते हैं, आप बैठिए, सब मिलकर धक्का लगा। आओ 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 यारो, थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आइए आइए आइए, कम ऑन, हेल्प हेल्प, जोर लगा के होई या, जोर लगा के होई या। जय माता दी, जय माता दी। चल दादू अब गाड़ी में। हाँ हाँ को नहीं, चल चल। पहुंच गए थिएटर। दादू अब जल्दी से वहां से टिकट लो, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। हाँ बेटे हाँ। ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे भाई आज अब्बास आगे बढ़िए, भाई साहब आगे बढ़िए। अरे दीपू भाई आज तो बड़ी भीड़ लगे से, मन नहीं लगे कि टिकट ना मिले। अबे करे हम कौन से लाइन में लगेंगे? रुको भाई साहब ये गाड़ी जरा पार्किंग में लगा कर आई है। अबे हटना है यार, तो जल्दी कर भाई। ए, 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 बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? बेटा लाइन यहाँ से है, यहाँ आओ। ताऊ हम लोग लाइन में कौन ना लगा करें, चल। देखो देखो बेटा, भाई साहब मैं शांति से आपसे कह रहा हूँ, आप सब आ लो तो वहाँ लाइन में लग जाओ। आज आज चलो बेटा चलिए। ठरकी के साला राम का नाम लेने की उम्र में तू के फिल्म देखना आ गया, वो भी अंग्रेजी। जा करा जाके पाठ कर, मन ने मन सिखा के करना के ना करना है, चल अब तीन टिकट निकाल। ओ देखिए देखिए काउंटर वाले भाई साहब, ये तीनों बच्चे लाइन में नहीं है, हम लोग कब से लाइन में खड़े हैं, इन्हें रूल बिल्कुल मत तोड़ने दीजिएगा, आप लाइन से टिकट दीजिएगा। शांति से कह रहा हूँ, छोड़ मेरा कलर, हे भगवान। चले तीन टिकट दे। भाई बुड्ढा पुलिस ने फोन करे लागे मरे की, पुलिस ने फोन करेगा तू, पुलिस ने फोन करेगा, चल। तुम मन्ने मारेगी, मन्ने मारेगी, शांति में कौन हूँ, चल निकल। दादू आप यहीं रुकिए प्लीज, यहीं रुकिए। हाँ विन्नी बोल।
क्या हुआ विन्नी? बेटा बोल ना, उत्तर क्या हुआ है? दादी, दादू, दादू हॉस्पिटल में। दादी, दादू को बहुत चोट आई है। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? डॉक्टर, मेरे दादू भी ठीक है ना? आपके दादाजी के सर पर इतनी बुरी तरह से मारा गया है जैसे उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, और ब्रेन हेमरेज होने की वजह से वो कोमा में चले गए। दादू, दादू। विन्नी के दादाजी बहुत उसूल वाले इंसान थे, वो खुद भी कोई कानून या नियम तोड़ते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नौजवानों को ऐसा करने से रोका। लेकिन वो लड़के इतने बेगैरत थे कि उन्होंने एक बड़े बुजुर्ग पर हमला करने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई, ना तो उन्होंने अंबरनाथ वर्मा की उम्र का ख्याल किया और ना ही इंसानियत का। कभी कभी ताकत के गुरूर में नौजवान ये भूल जाते हैं कि एक दिन वो भी बुढ़े होंगे। अफसोस की बात है कि घटनास्थल पर मौजूद किसी ने भी उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। क्या इतने लोग मिल करके तीन लड़कों को नहीं रोक सकते थे? सोचिए, अगर आप वहां होते तो क्या करते? अंबरनाथ जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। सुनो, उठो ना, घर में तो बहुत बोलते हो। मुझे पता था तुम इंग्लिश पिक्चर देखने जा रहे थे। अरे अब ऐसी नहीं हो, समझती हूँ कि इंग्लिश पिक्चर गंदी फिल्म नहीं होती है। और ये क्या, तुम तो हमेशा अपना प्रॉमिस निभाते हो ना। ये समोसा और जलेबी लाने वाले थे ना, जाओ लेकर आओ, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बोलते नहीं है कुछ, बोल रहे इनको, बोल रहे। क्या तुम उन लड़कों को पहचानती हो? नहीं सर, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, और ना ही मैंने पहले कभी उन्हें देखा है। कोई बात नहीं, हम उनका पता लगाने की कोशिश करें। चलो। हाँ। एक काम करो, आसपास जाकर पता करो किसी ने क्या झगड़ा होते हुए देखा। जाओ, बाहर आओ। जी, आज सुबह जो मारपीट हुई तुमने देखा? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा है। क्यों सर? टिकट बांट रहे थे, हमें भीड़ इतनी थी, हम कहाँ देख पाते, हमें हाउसफुल करना होता है। सुबह यहाँ जो झगड़ा हुआ देखा तुमने कुछ? जी साहब, देखा। क्या देगा साहब? वो लड़के सफेद रंग की गाड़ी में आए तो उस बुजुर्ग आदमी को बहुत मारा साहब उन्होंने। गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं साहब, हम गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। सर, आपको उन लड़कों के बारे में पता चला? फिलहाल तो नहीं, हम लोगों ने फिल्म थिएटर के आसपास भी पूछताछ की, लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों ने सफेद कार में जाते हुए देखा था। हो ना हो, ये लड़के आरकेपुरम के आसपास के ही, क्योंकि लोग अक्सर अपने आसपास के थिएटर में ही फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन सर, मैंने उन्हें देखा है,
बस किसी भी तरह वो मेरे सामने आ जाए, मैं उन्हें तुरंत पहचान लूंगी। ये ठीक रहेगा, आपकी मदद से उनका स्केच तैयार करवाते हैं। हो सकता है इससे उन्हें पकड़ने में आसानी हो। स्केच वाले को बुला के लाओ। सर, जिसने मेरे दादाजी पर चोट पहुंचाई थी, वो उसका फेस बहुत ही पतला था और आंखें उसकी बड़ी थी। आंखें थोड़ी मोटी आएंगे, इतनी पतली नहीं थी। हाँ, और इसका फोरहेड बहुत ब्रॉड था। ऐसा जी, उसके साथ जो और बाकी थे लड़के, उनको भी आपने देखा होगा, कैसे दिखते थे वो बताइए। हाँ सर, और कुछ कुछ बात उसके आगे भी आ रहे थे। अपने मोबाइल से इनका फोटो क्यों लिया? सर, ये सारी पिक्चर्स मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपलोड कर दूंगी। अगर किसी ने भी इन्हें देखा होगा या कोई भी इन लड़कों को पहचानता होगा, वो मुझे आके इन्फॉर्म करेगा। ये तीनों लड़के मेरे दादाजी पर हमला करके भाग गए। अगर कोई भी इन्हें पहचानता हो तो प्लीज़ पुलिस को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या मुझे इस नंबर पर फ़ोन करें। वो बदमाश लड़के जिस यंग जेनरेशन से थे, विनी भी उसी जेनरेशन से थी, लेकिन विनी को अपने परिवार से अच्छे संस्कार मिले। दोस्तों, बड़ों का आदर करना हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, और विनी अब अपने परिवार के उन्हीं संस्कारों और दादाजी के उसूलों पर चलकर उन हमलावरों को खोजने निकल पड़ी। भैया, इन लड़कों को कहीं देखा है आपने? भैया, इन लड़कों को देखा है आपने कहीं? भैया, आपने इन लड़कों को कहीं देखा है? एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। एक मदद कीजिए ना, आप इनको जानते हैं? कहीं देखा है आपने इनको? हाँ मैडम, देखा है। ये लड़के यहाँ कभी कभी आते रहते हैं। आपको इनके गाड़ी का नंबर या पता है ये कौन सी गाड़ी से आते हैं? नहीं मैडम, ये तो मुझे नहीं पता। एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आपको ये कहीं पे भी देखे ना, आप मुझे कॉल कर देना। मैडम आप ही सेव कर दो। थैंक यू। दादी, 4 दिन हो गए लेकिन दादाजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। रब पे भरोसा रख, पुत्र, ते दादाजी को जल्दी ठीक कर देंगे। वो
उन लड़कों को कुछ पता चला? हेलो। हेलो मैडम, मैं पान वाला बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमने अभी उन लड़कों को यहाँ अपनी पान की दुकान के पास देखा है मैडम। मैं अभी पहुँचती हूँ। भैया वो लड़की कहाँ है? हाँ मैडम, अभी अभी इस तरफ गए मैडम। अंकल, इन लड़कों को अभी यहाँ से गुजरते हुए देखा है आपने? नहीं मैडम, मैंने इनको नहीं मैंने आज उन लड़कों को देखा था और मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए। सर मैंने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया, आप प्लीज लिखिए ना। क्या नंबर था बताओ? DL4CAE2703। 2703। अन्ना पता लगाओ ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है फटाफट। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो लड़के जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। थैंक यू सर। वो लड़के पकड़े गए, लेकिन सर आपने तो कहा था गाड़ी का नंबर पता करके आप उन तक पहुंच जाएंगे। देखिए हमने उस गाड़ी का नंबर से पता लगाया और हमें पता चला कि वो गाड़ी श्याम सिंह गंगवार के नाम रजिस्टर्ड है, पर नेताजी ने हमें बताया कि उनकी ये कार पिछले 2 हफ्ते से गैराज में खड़ी है और उनका वो बेटा दीपक जो ये कार का इस्तेमाल करता है दिल्ली से बाहर है। लेकिन सर वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन गैराज वाले की गवाही और चंडीगढ़ होटल में उनके बेटे की मौजूदगी उन्होंने हमारे सामने प्रूव कर दी है। लेकिन सर उन स्केचेस में से उनका बेटा एक था। हाँ, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा। वो आइसक्रीम वाला वो भी अपने बयान से पलट गया। पर मैंने खुद उसे देखा था। आप मेरी गवाही पे उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखिए। आप उन्हें पकड़वाने का चक्कर छोड़ दीजिए, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, आप अकेले उनसे नहीं लड़ पाएंगे। सर मेरे दादू कहते हैं कि सच को थोड़ी देर के लिए झुकाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। आप मेरी गवाही पे उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखिए। श्याम सिंह गंगवार इलाके का विधायक, आपने किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो मैंने बता दो, सब दूर कर। हाँ जी, एक मदद कीजिए, एक लड़का है जिसने मेरे दादाजी की ये हालत की है, आपका बेटा, उसे बचाने की जगह मेरे दादाजी को मारने के जुर्म में उसे जेल भिजवा दीजिए। अरे देख छोरी, अरे मैंने पहले ही तेरी दादी से अपने बेटे की इस हरकत के बारे में माफी मांग ली है, समझी? अरे जवान खून है, होगी गलती। देख तेरे दादा के इलाज के लिए मैं पूरा पैसा खर्च करूंगा और ऊपर से तुझे भी पैसे दूंगा, और ये मामला यहीं रफा दफा होगा।
इसमें तेरी भी भलाई है हमारी। देखिए मैं आपके बेटे को जेल भिजवा के ही दम लूंगी। माता जी हरा छोरी ने समझाओ, देर होगी ना फिर बहुत पैसा। क्या इंसान के जान की कोई कीमत हो सकती है? पैसे और ताकत के नशे में चूर कुछ लोग हर चीज को बिकाऊ समझते हैं। विनी ने भी अब ठान लिया था कि पीछे नहीं हटना है, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं था दोस्तों। एक तरफ विनी की हिम्मत थी तो दूसरी तरफ थे दिल्ली के पैसे और ताकत के नशे में चूर इन्फ्लुएंशियल लोग। अब आप अपने दादाजी को घर लेके जा सकते हैं और वहां पर भी हम वो सारी फैसिलिटीज अरेंज करा सकते हैं जिनसे उनकी देखभाल बिल्कुल हॉस्पिटल जैसी होगी। पर हॉस्पिटल जैसी देखभाल घर में कैसे हो सकती है? देखिए आपकी वजह से वो लोग हमारे दूसरे पेशेंट को परेशान कर सकते हैं, समझने की कोशिश करिए। मतलब आप भी सब कुछ उस एमएलए के कहने पे कर रहे हैं राइट? देखिए मैं आपके हॉस्पिटल में केस कर दूंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत पावरफुल लोग हैं और ये हमारी मजबूरी है कि हमें आप लोगों से ये बोलना पड़ रहा है। जिद मत कर विद्दी, मान जा। जाके तूने रिपोर्ट वापस ना ली तो बम फोड़ देंगे। किसका? वो मोबाइल कंपनी से था। नेताजी के गुंडों ने मेरे घर में पत्थर फेंके और मार्केट से मेरी स्कूटी की हवा निकाल दी। आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए ना। देखिए आपके घर पर पत्थर फेंकने के जुर्म में अगर मैं चार लोगों को पकड़कर अंदर कर भी दूंगा तो वो कल 40 और गुंडे लेकर आपको परेशान करेंगे। आप मेरी बात मानिए और ये कंप्लेंट वापस ले लीजिए। अगर आपने मेरी शिकायत पे कार्रवाई नहीं की ना तो मैं कमिश्नर के पास जाऊंगी। अब उठ भी जाइए, आपका शोर सुने कितने दिन हो गए। ये शान सा घर अब अच्छा नहीं लगता। Thank you.
स्मिता। हाँ, मारो मुझे। तुम्हारी तो आओ सामने। बस कहाँ छुपे बैठे हो? बस नहीं, आओ सामने आओ। चल चल अंदर, चल अंदर। दादी एक मिनट रुको। नहीं चल बेटा, अंदर चल, अंदर चल चल चल। बच्चे उन लोगों से दुश्मनी मोल लेके कुछ हासिल नहीं होगा। इन्हें जेल भेजने से दादाजी के ठीक हो जाएंगे। लेकिन दादी, दादाजी हमेशा कहते कि अन्याय करने वाले से बड़ा दोषी उसे सहने वाला होता है। दादी, मैं तुझे हार मानने को तो नहीं कह रही। बस कुछ दिन शांत रह और सोच कि उन ताकतवर लोगों को कैसे हराया जाए। भैया, एक किलो आलू और दे दो, और टमाटर दे दो आधा किलो। भिंडी कैसे दिया? आधा किलो 20 रुपए की। ये क्या बदतमीजी? अरे चल यार। अरे चल चल, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो चुनाव कमिश्नर से कंप्लेंट करने जा। हमारी तुम सियानी है ना, इतनी सीधी बन के रह समझी, वरना वो खास कर दूंगा। लैग नहीं रहेगी तू तुमने। ए किसको दरवाजा? भाई गाड़ी रोक, कुत्ता रे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, चलो मुझे। ए किसको बहुत दादू, आप ही कहते हो हमें हमेशा नियम कायदों में जीना चाहिए, ईमानदारी से चलो। अब बोलो क्या करूं? कुछ नहीं होता इससे, इन मेहमानों से, करप्ट लोगों से नहीं लड़ा जा सकता दादू, नहीं लड़ा जा सकता। दादू कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। झूठ के आगे सच सिर्फ झुकता ही नहीं है, हारता भी है हमेशा। इस जमाने में अच्छाई और सच नहीं जीत सकते। मुझे नेताजी से मिलना है। अरे हमने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा ना मुझे मिलना है, मेरा मिलना उनके लिए जरूरी है। हटो हटो हटो, साहब आ गए। क्या कह रही है छोरी? अंदर अंदर आने के लिए कह रही है। भेज दे इसमें भीतर। जी साहब। चल भाई चल रहा है, आ जा। जाओ, साहब जी ने कह दिया, जाओ। छोरी ये काम से रैंडम की दिन लग रही है कि तू? आप मुझे कंप्लेन वापस लेने के लिए पैसे देने वाले थे, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी। क्या आया तू? 20 लाख। क्या हो गया था विनी को? क्यों आज वो इतनी कमजोर पड़ गई?
अपने दादाजी को न्याय दिलाने की कोशिश में हर मोड़ पे जिस तरह से उसे नाकामी हाथ लगी, जिस प्रकार से उसको और उसके परिवार को डराया धमकाया गया, क्या इससे डर कर विनी ने हार मान ली थी? क्या उसने सोच लिया था कि इन ताकतवर लोगों से अब वो नहीं जीत सकती है? या फिर बात कुछ और भी थी? मुझे उस सब्जेक्ट के 2 लाख पोस्टर्स, स्टिकर्स और पैम्पलेट बनवाने, उसके लिए जो भी खर्चा होगा ना आप बता दीजिए मुझे। दिल्ली में तुम्हारे जितने भी आदमी सबको ये पोस्टर्स पहुंच जाने चाहिए। कल सुबह तक ये सारे पोस्टर्स, स्टिकर्स दिल्ली के हर रोड पर, हर दीवार पर और हर ऑटो के पीछे लग जाने चाहिए। न्यूज़पेपर में डाल के ये सारे पैम्पलेट हर घर में पहुंचा देते। ये लीजिए पैसे। हो जाएगा मैम, निकालो रे पोस्टर। बोल रहा हूँ, अरे किसने दे दी खबर तो नहीं है? मैंने देना नहीं है। अरे जिसने दिया उससे जाके बात कर ले। हाँ अरे क्या, अरे मैं कह रहा हूँ ना, हेलो नेताजी से बात करनी है। हाँ एक मिनट। अरे सर हाँ बोल। अरे बोल रहा हूँ, अरे पूछ ले उससे फिर, मुझे क्या क्या है। अरे क्या दिया नेताजी? हाँ बोल। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे मुझे कोई काम नहीं करा ऐसा। अरे ये जिसने किया उससे जाकर पूछ ले। क्या कह रहा है? अरे सारे के सारे कच्चे हो गए तुम क्या? अरे मुझे तो ये लगा। अरे देख देख चुप कर जा, मैं कह रहा हूँ चुप कर जा तू भी। अरे तेरी वजह से होगा, सब तेरी वजह से। ये बुरे दिन देखने पड़ रहे सुस रहे, निकम्मी औलाद पैदा होगी। ससुरों ने जीना हराम कर दिया। इसे देखो वही फोन चले के जा रहा, वही फोन उठाया जा रहा। जी उस लड़की ने पूरी दिल्ली शहर में वैसे ही पोस्टर लगवा दिए हैं। अरे मैं उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा। ना नेताजी, अब तो आप दुआ मनाओ कि उस लड़की को कुछ ना हो, वरना आप बैठे बैठे मुसीबत में पड़ जाएंगे। तेरी वजह से हुआ जो भी कुछ हुआ है। नाक कटवा के धर दी तने मेरी। हेलो क्या? हाँ नेताजी टीवी ऑन करिए। अरे अब क्या हो गया? मुझे मजबूरी में ये रास्ता अपनाना पड़ा। नेता श्याम सिंह जी ने मुझे इस केस को दबाने के लिए पूरे 20 लाख रुपए दिए, लेकिन मैंने उन पैसों से लाखों पोस्टर्स छपाए और नेताजी और उनके बेटे का सच आप लोगों के सामने लाई। मैं जानती हूँ कि मेरा ये तरीका लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन मुझे यकीन है इसका अंजाम गलत नहीं होगा। हेलो जी, जी एक मिनट नेताजी, हाई कमांड से। हेलो ये सब क्या हो रहा है? जी मैं आते कह रहा हूँ, तुम्हारी कोई सफाई नहीं होती है। अगर पार्टी में बने रहना चाहते हो तो तुरंत अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दो, रही सही इज्जत बच जाएगी, वरना पार्टी तुम्हें निकाल देगी। क्या आपने सच में उस लड़की को केस दबाने के लिए पैसे दिए थे? वो लड़की हमारे हल्के की है, अरे उसे इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। देखो मैंने तो उससे कहा था कि तेरे पूरे परिवार को मैं मदद दूंगा, पर उसने अलग समझ लिया, गलत समझ बैठी। अब ये तो 20 लाख रुपए की जो बात कर रही है ना, वो
ये हमारे जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, ये उनका करा धरा है। वो मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और मुझे वो बदनाम करना चाह रहे हैं। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती करी है तो मैं उसे खुद पुलिस स्टेशन में लेकर जाऊंगा। मैं एक पिता होने के साथ साथ एक राजनेता भी हूँ, जन सेवा को लोगों का। मैंने तो उस लड़की से कहा है कि भाई जो तेरे दादाजी कोमा में चले गए हैं, हम उनकी पूरी मदद करेंगे, वो इंसाफ दिला के रहेंगे। अरे ये मेरा वादा है। तूने बहुत बड़ा काम कर दिखाया विनी। सारी जिंदगी जेल में पड़ के चढ़ेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब देख के रहो, फिर करूंगा। सॉरी, मैंने तुम्हें हर कदम पे डिमोटिवेट किया, लेकिन जो तुमने किया वो एक मिसाल है। वेल डन। दादू, आज आपके विश्वास की जीत हो गई। सच ने झूठ को हरा दिया। दादू, बस मेरे बेटा, बस बच्चे। दादी, दादू कब ठीक होंगे? मुझे उनके साथ फिल्म देखनी है। जरूर देखेंगे, मैं भी देखूंगी, सब चलेंगे और पिक्चर देखेंगे। विनी ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः उन बदमाश लड़कों को कानून के फंदे तक पहुंचा ही दिया। अंबरनाथ वर्मा को 20 दिन बाद होश आ गया और वो पूरी तरह से खतरे से बाहर हो गए। दीपक और उसके दोस्तों को अंबरनाथ वर्मा के हत्या के प्रयास के जुर्म में आईपीसी की धारा 307, विनी को किडनैप करने और डराने धमकाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 363 और धारा 506 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। हमारे आसपास कई ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जिन्हें मिलकर रोका जा सकता है, ऐसे खतरनाक हादसों को टाला जा सकता है। जरूरत है थोड़ा सा हिम्मत करने की और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की। हम अपने से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम सभी लोग डरकर अपने आंख और कान बंद कर लेंगे तो फिर तो मुजरिमों का हौसला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन मैं सावधान इंडिया के आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप समाज में कहीं भी अपराध होता हुआ देखें तो सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़े ना रहें, बल्कि उसे रोकने की कोशिश करें। इससे एक नई शुरुआत होगी, अपराधों को रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता होगी। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान।